पर भिड़ेंगे। इस मैच के लिए सभी उत्साहित हैं। कहीं मैच देखने की पूरी प्लानिंग चल रही है तो कहीं भारत के जीत के लिए पूजा पाठ शुरू हो गई है। वहीं मंदसौर जिले की गांव नाहरगढ़ की बात करें तो यहां के क्रिकेट प्रेमी भारत टीम के जीत का दावा कर रहे हैं। एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों बीच हाई वोल्टेज मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर फोर राउंड में भारत और पाकिस्तान का यह पहला मैच होगा। भारत पाकिस्तान के इस मैच के लिए सभी उत्साहित है। कई मैच देखने की पूरी प्लानिंग चल रही है तो कई भारत की जीत के लिए पूजा पाठ शुरू हो गई है। वाराणसी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर आज वाराणसी में भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ग्रुप राउंड में दो मैच जीती थी, वहीं बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम को एक जीत मिली थी। हालांकि पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच बड़े अंतर से जीता था, लेकिन भारत को हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करने में मुश्किल हुई थी। और क्रिकेट प्रेमी का क्या उत्साह है पूरा बताइए। भारत और पाकिस्तान का मैच और क्रिकेट में उत्साह नहीं हो, काफी लंबे समय बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें खेल रही हैं। 310 दिन का इंतजार करना पड़ा था भारत को पिछला मैच जीतने के लिए, और काफी अच्छा माहौल है। सबको उम्मीद है कि भारत फिर आज जीतेगा और भारत का नाम फिर रोशन होगा। रविंद्र जडेजा इस मैच में नहीं खेले चोटिल होने के कारण, तो उनकी कमी खिलेगी नहीं खिलेगी? ऑफकोर्स रविंद्र जडेजा की कमी खिलेगी, क्योंकि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, 33 रन बनाए थे अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बल पर, और उनकी कमी खिलेगी। पर भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर खिलाड़ी है, तो उसकी कमी कोई ना कोई खिलाड़ी पूरी करेगा। आज जो भारत की प्लेइंग 11 है उसमें क्या चेंज मिल सकता है? भारत की प्लेइंग 11 में तीन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं पिछले मैच के मुकाबले। हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, और अवेश खान और रविंद्र जडेजा चोटिल होने पर ऋषभ पंत और आर अश्विन को मौका मिल सकता है। ये चेंजेस आज के मैच में देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान का बल्लेबाज और गेंदबाज कौन सा जिससे भारत को बच के रहना चाहिए? एक तरह से तो पाकिस्तान नाम से ही एक नफरत सी है भारत के क्रिकेट प्रेमियों को, पर हाँ क्रिकेट एक तरह से मान सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर